रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। क्या पता आप में से ही मैं देख पा रहा हूं आने वाले दिनों की दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले महापुरुष भी मेरे सामने बैठे हैं। मैं आप सभी को इस बार 10वीं और 12वीं परीक्षा से उत्तीर्ण होने का, अच्छे नंबर से पास होने का मैं आपको बधाई देता हूं। मैं पार्टी को, विशेष करके सज्जन दा को धन्यवाद देता हूं आपको यहां बुला के एकत्रित करके सम्मानित करने के लिए, पुरस्कार देने के लिए। 500 रुपया की कूपन मिलेगा आपको। एक, जैसे मैंने समझा, किताब वाला तो डिस्काउंट देगा ही देगा, फिर पार्टी की ओर से जो व्यक्ति अच्छा पढ़ेगा, अच्छा किताब लेगा, कोई फिजिक्स के लेगा, कोई सोशल साइंस के लेगा, कोई स्टोरी बुक लेगा, कोई इंग्लिश लिटरेचर का लेगा, कोई डिक्शनरी लेगा, अपने चॉइस से जो किताब खरीदेगा उसको 500 रुपया की डिस्काउंट मिलेगा। इसी का उद्देश्य है, समाज चाहता है, हम सभी चाहते हैं आप बढ़ो, पढ़ो और बढ़ो। यही आपको अनेक अनेक का महाप्रभु की, माँ काली की, हमारी महापुरुषों की आशीर्वाद रहे। मैं भी उसको दोहराता हूँ। मित्रों, दो बात मैं कहना चाहता हूँ। 2023 हम सभी के जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट ईयर है, लैंडमार्क ईयर। अंग्रेजों की शासन इसी शहर से हुई थी, बाद में यहां से दिल्ली गया। देश लंबे समय तक पराधीन जो रहा, कोलकाता से विदेशी आक्रांत हमको शासन किया था। ये सारे बंधनों से मुक्ति होने का अभी अभी 75 साल हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आने वाले 25 साल हम सभी के जिंदगी में महत्वपूर्ण दायित्व लेके आएगा। आज जो बच्चा 10वीं पास किया है 15 साल में, 17 साल हुआ है 12वीं पास करने में, 18 साल हुआ है, आने वाले 25 साल जब देश की आजादी को 100 साल हो रहा होगा, उस बच्चे की आयु 40 से 45 साल हो रहा होगा। यानी समाज की नेतृत्व आने वाले 25 साल में, जब देश को 100 साल हो रहा होगा, आप लोगों में कोई कर रहा होगा। इसमें से कोई देश की प्रधानमंत्री होगा, इसमें से 3 जो नोबेल लिटरेट पाने वाले नेतृत्व होंगे, ऐसी अपेक्षा आप सबसे है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, महत्वपूर्ण समय में आप बढ़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई लागू किया है। मित्रों, मैं दो बात कहूंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर। 1835 में जब इस कलकत्ता शहर से अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का, तब उन्होंने एक उनके अधिकारी था मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले भारत को चलाने के लिए एक शिक्षा पद्धति लाया। शिक्षा पद्धति का दो उद्देश्य था, लंबे समय तक भारत की बुद्धि को भ्रमित करना, शासन करने के लिए एक पुरातन पर निर्भर मानसिकता बने, पराधीनता की मानसिकता बने, ऐसे एक शिक्षा व्यवस्था उन्होंने लाया। दूसरा, भारत की संसाधनों को लूट के यूरोप ले जाना, ब्रिटिश ले जाना, यूके ले जाना, इसके लिए जो तंत्र उनको चाहिए, उनकी अनुयायी व्यवस्था चाहिए, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था लाया। मोदी जी ने 2022 की 20 की शिक्षा नीति पराधीनता से मुक्त करने के लिए, मानसिक पराधीनता से मुक्त करने के लिए, डीकोलोनाइज करने के लिए शिक्षा नीति लागू किया है। उसमें दूसरी बात है, एक मूल फर्क है। अभी सज्जन दा आपको कह रहे थे, मैं यही विषय कहने आया हूं। भारत की बच्चों की जमाना चला गया नौकरी करने की,
भी नौकरी नहीं करेंगे। विशेष करके इस बार सीबीएसई की रिजल्ट अच्छा हुआ है, बंगाल की रिजल्ट कैसे हुआ है मेरे को मालूम नहीं। बंगाल की शिक्षा व्यवस्था समस्या में है। जिस राज्य में विवेकानंद, योगी अरविंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे महापुरुषों ने शिक्षा के बारे में वर्णन किया है, आज उसी प्रदेश की शिक्षा कहां पहुंचा है मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता हूं। मित्रों, इस बार बंगाल में हो या देश में हो, बच्चे हमारे अच्छे किए हैं। इस बार से आज हम आइए आजादी के अमृत महोत्सव में, हम अपना दायित्व ले, हम जॉब सीकर नहीं बनेंगे, जॉब क्रिएटर बनेंगे, मालिक बनेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आज दुनिया में चल पड़ा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में स्किल की अर्थ सिर्फ बाल काटना नहीं, मोमो बनाना नहीं, छोटे मोटे काम धंधा नहीं, डिजिटल पेमेंट दुनिया में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट आ गया है। इंटरनेट के कारण चंद मिनट में आज हम कोलकाता की सभा को दुनिया की सभी कोने में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लोग देख भी रहे होंगे। यह संभव है, दुनिया को मुट्ठी में करने का मित्रों समय आई है। एक समय में हमारी भारत कोलकाता के नेतृत्व में, बंगाल के नेतृत्व में दुनिया की दिग्विजय हुआ था। 21वीं सदी में हमारी बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ के नया स्किल्स को अख्तियार करते हुए ना केवल भारत के लिए जॉब क्रिएटर होंगे, दुनिया की जॉब क्रिएटर होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज उस सब में मैं इतना ही आपको शुभेच्छा देते हुए, आप सब आए सामूहिक रूप में, आप हमारी गौरव बढ़ाए, आपको दिख के हम आश्वस्त हुए, हमारी देश सही रास्ता पे है, इसी कामना के साथ आप सभी को शुभेच्छा। भारत माता की, भारत माता की जय। बंगाल, आप लोगों को किसी को সত্যজিদা আর পার্থদা, হ্যাঁ পার্থ, আরে সত্যদা এসো, তোমাদেরই মঞ্চ, ডাকতে হবে কেন? প্লিজ আপনারা ওপরে আসুন। আচ্ছা, আপনাদের কারোর, তোমাদের কারোর কোনো জিজ্ঞাসা আছে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে, বাংলাতেও করতে পারো, ইংলিশেও করতে পারো, হিন্দিতেও করতে পারো, কারোর কিছু আছে জিজ্ঞাসা থাকলে হাত তোলো, এই সুযোগ পাবে না কিন্তু। তোমার কোনো বক্তব্য, তোমার কোনো কথা, তোমার তুই বুড়ো ভাঙচার। এখানে যখন হবে আমরা পরপর বলতে থাকবো। আচ্ছা, কারোর কোনো জিজ্ঞাসা নেই তো? তাহলে কোনো জিজ্ঞাসা নেই, তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কি বলেছেন, কোনো বক্তব্য নেই তো? তাহলে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে ফিরে আসি, যেটা আমরা বলেছিলাম। আমি যে প্রথম দশ জনের নাম বলেছিলাম, এদিকে রেডি, আমি যে প্রথম দশ জনের নাম বলেছিলাম আবার বলছি, সত্যশ্রী দে, অনুষ্কা পাল, দীপালী রায়, প্রিয়াঙ্কা কুমারী, অহনা ব্যানার্জি, এইভাবে রাখা আছে তো, অহনা ব্যানার্জি, দেবজিৎ দাস, সৃজিতা মল্লিক, বিবেক প্রসাদ, রোহিত সাউ, পারমিতা বৈরাগী, আমি এদেরকে ব্যাক স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমি যাদের যাদের নাম বললাম, যাদের যাদের নাম বললাম তাদেরকে এই রাস্তাটা দিয়ে একটু ঘুরে আসতে হবে, আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এটা খুলে রাখলে ভালো হতো। আর কোন রাস্তা নেই না? ওয়েদার কিন্তু খারাপ হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওপরে করো, ছাতা উপরে করো, নিজের উপরে করো,
এই ছোট এখান থেকে তো দেবে কোথায় যাবে ছেলেরা ওদিকে যাবে ওকে আমি যাদের যাদের নাম বললাম আমি যে যে নামে দেখেছি প্রথম সত্যশ্রী দে সত্যশ্রী দেকে তুমি ওইভাবে চলে যাও ওইভাবে চলে এসো অনুষ্কা পাল আমি যেভাবে ডাকছি দীপালি রায় প্রিয়াঙ্কা কুমারী মাহাতো অহনা ব্যানার্জি অহনা অহনা ব্যানার্জি আসেনি আচ্ছা দেবজিৎ দাস দেবজিৎ দাস আচ্ছা সৃজিতা মল্লিক বিবেক প্রসাদ রোহিত সাউ পারমিতা বৈরাগী আপনারা ওইভাবে চলে আসুন আপনি এদিকটা চল একটু এই জায়গাটা ফাঁকা করে দিন একটুখানি একটু কেটে দিন তাহলে হয়ে যাবে আপনি এখানটা চলে আসুন আচ্ছা আমরা অনুরোধ করব এবার এক এক করে আমি আবারও বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে কথা ও কাহিনী দোকানটার নাম জানো তো আর একজনকে একজন আমাদের আমাদের কাউকে দায়িত্ব দেব প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে যেন মন্ত্রীজির সঙ্গে ছবি থাকে পরে আমরা ছবি আমাদের কোনো সাইটে আপলোড করে দেবো একজন যেন স্পেশাল দায়িত্ব দেবে আচ্ছা আমি বলে দিই কথা ও কাহিনী নাম জানো তো পাবলিশার তো ওর কাছ থেকে তোমাদের 500 টাকার করে কুপন দেওয়া আছে তুমি যেটা কিনবে তার আগে যা ডিসকাউন্ট দেবার দেবে প্লাস 500 টাকা মাইনাস হবে ঠিক আছে আমি সত্যশ্রী দে তাকে প্রথম বলবো এগিয়ে আসার জন্য প্রথম তার হাতে মন্ত্রী মশাই তুলে দিচ্ছেন সার্টিফিকেট এবং ওটা ওটা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দিন হ্যাঁ আচ্ছা পরে একজন অনুষ্কা পাল অনুষ্কা পাল আচ্ছা দীপালি রায় আপনারা সবাই এদিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে যে হয়ে যাবে এদিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে দীপালি রায় ওদিকে প্রিয়াঙ্কা কুমারী আচ্ছা ওটা পরে এদিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে প্রিয়াঙ্কা কুমারী অহনা ব্যানার্জি দেবজিৎ দাস সৃজিতা পাল সৃজিতা মল্লিক হ্যাঁ বিবেক প্রসাদ বিবেক প্রসাদ বৌদি আপনি ওখানে দিয়ে দিন ওটা ওখানে দিয়ে দিন রোহিত সাউ রোহিত সাউ পরের জন পারমিতা বৈরাগী আমি পরের দশজনের নাম বলছি পঙ্কজ কুমার সোনকার ইন্দ্রাণী দে সৌনক দে পরের জন এগিয়ে আসু সায়ন পাত্র সঞ্জু কোলে